करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कुछ मुद्दों पर पैदा हुए वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए अटारी सड़क सीमा पर भारत पाकिस्तान बैठक चल रही है। बैठक में दोनों देशों के बीच बन रहे पहले वीजा फ्री रास्ते पर महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इंटरनेशनल सिख सम्मेलन में इमरान खान के भाषण के बाद इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान भारत सरकार की 10,000 श्रद्धालुओं को श्री करतारपुर साहब जी के दर्शनों को आज्ञा देने की शर्त को स्वीकार कर लेगा। इस बैठक में दोनों देशों के उच्च अधिकारी अटारी सीमा पर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मीटिंग हॉल में करतारपुर कॉरिडोर के संचालन के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। इसमें करतारपुर कॉरिडोर से सुबह कितने बजे से श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब दर्शनों के लिए भेजा जाएगा, करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता शाम कितने बजे बंद होगा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भारत सरकार द्वारा पिछली बैठक में रखे गए एक प्रस्ताव जिसमें श्री करतारपुर साहब में एक भारतीय कॉन्सुलेट स्थापित करने की मांग की गई थी पर भी चर्चा होगी। भारत सरकार का कहना है कि श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यदि वहां कोई समस्या आती है तो वो भारतीय कॉन्सुलेट से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस बैठक में दोनों देशों द्वारा यात्री टर्मिनल में लगाए जाने वाले झंडों की ऊंचाई के साथ साथ सुबह व शाम दोनों देशों की सीमा रक्षक दलों के बीच एक बैठक करने पर भी विचार होगा। इस बैठक में रुस्ती बांध के साथ बहने वाली रावी नदी पर पुल के निर्माण का मुद्दा भी भारतीय अधिकारी उठाएंगे। जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच अटारी वागा सीमा पर आने जाने के जो नियम लागू हैं, उन्हीं नियमों को इस पहले वीजा फ्री रास्ते में लागू किए जाने की संभावना है। नवंबर के पहले सप्ताह में खुलने वाले इस कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए संभावित गणमान्यों के नामों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वहीं भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये अभी तय नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीआर न्यूज़।